हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डोमिनोज स्टाइल कॉर्न पिज्जा की रेसिपी। जितना आप सोचते हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट होगी, उतना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप आटा, आप चाहें तो मैदे का यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसको हम अच्छा से एक मिक्स देंगे और दही के साथ इसका एक डो रेडी करेंगे। तो डो हमारा रेडी है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तो इसे हमें अच्छे से इस तरह पटक पटक के गूंदना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज पिज्ज़ा बनने वाला है इस डोसे वाले पैन में, तो हमें इसी साइज का इसको बेलना है। थोड़ा सा बड़ा हमें और करना पड़ेगा। तो अब इसको हम इसी तवे में सेक लेंगे। तो तवा हमारा कुछ छोटा है, इसे संभाव सेकना होगा। ओके गाइस, तो देखिए हमें इस तरह से इसे सेक लेना है। अब इसको रख देंगे हम साइड में और अपना दूसरा पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे। तो हमें इस वाले पार्ट से थोड़ा बड़ा बेलना है। तो अब इसमें हम लगाएंगे चीज स्प्रेड। मैं यहाँ अमूल ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल चीज़ को भी इसमें ग्रेट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इसमें होल करना भूल गई, हम अभी भी कर सकते हैं, बट होल करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका जो पिज्जा है वो फूल के बन जाएगा भटूरा सिंह। अब गाइस, इसमें भी हम ऐसे होल कर देंगे। तो ये है हमारा होममेड पिज्जा सॉस। इसकी रेसिपी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। बहुत इजी है बनाना, एक बार रेसिपी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब इसमें हम ग्रेट करेंगे मोजरेला चीज। तो अब इसके ऊपर जाएगा कॉर्न।
तो यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है। तो इतना कॉर्न काफ़ी है। तो अब इसके ऊपर भी हमें चीज़ को ग्रेट करना है। तो अब बारी है इसको कुक करने की। लेट्स गो। अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे और ऐसे बर्तन से ढकिए ताकि इसका हीट बाहर ना निकले। अब हमें वेट करना है 20 मिनट। 20 मिनट हो गया है। चलिए अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। आराम से बर्तन बहुत गर्म है। वाव, कितना अच्छा कलर आया है हमारे पिज्जा में। हमारा बर्तन है काफी मोटा और हैवी है, इसकी वजह से इसमें 20 मिनट लगे हैं। आप बर्तन के थिकनेस पे 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट भी लग सकता है। चलिए इसे हम कट करते हैं। चेक करते हैं गाइस। अगर आपको ओरिगैनो नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको ऐसे ही खाइए, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको डाल के दिखाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और न्यू रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।